बहुत चाहते हो उसे? बहुत। क्या कर सकते हो उसके लिए? मर सकता हूं उसके लिए। जी सकते हो उसके बगैर? नहीं, भूल जाओ उसे। नहीं, मैं फिर कहती हूं, भूल जाओ उसे। और मैं भी आपसे फिर कहता हूं, नहीं नहीं नहीं। मुझे जानते हो? जानता तो नहीं था, लेकिन एक ही नजर में पता चल गया कि आप वही हैं। वही? वही कौन? नीलम की फुफा, और जिसके लिए अकबर अली खान ने जान दे दी। जानते हो, बाज मोहब्बतें सुबह की शबनम जैसी होती हैं, नाजुक, खुशगवार, उनसे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि आसपास का सारा मंजर हसीन हो जाता है, उजला उजला, निखरा निखरा। होते होंगे, लेकिन मेरे नसीब में नहीं है शायद। बाज मोहब्बतें आसमान से अंगारों की बारिश की तरह उतरती हैं, जिनसे आसपास की सारी चीजें और सब इंसान जल के भस्म हो जाते हैं। एक बात तो बताएं, आप मेरे चचा से, अकबर से कैसी मोहब्बत करते हैं? जो गुजर गए उनके मुतल्लिक बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, जो गुजर गए, लेकिन वो मेरा और नीलम का रास्ता खोटा कर गए, इसलिए उनके बारे में बात करना जरूरी है। बोलो, मैं सुन रही हूँ। नीलम के बाबा मुझसे और मेरे खानदान से शदीद नफरत करते हैं। आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या? कि मैं अपने बाबा का कत्ल कर दूं। क्या? तो तब वो मुझे और नीलम को एक होने देंगे। ये बात भाईजान ने कही है? वो खुद को बहुत ज़हीन और मुझे बेवकूफ समझते हैं। वो चाहते हैं कि एक ही तीर से दो शिकार हो जाए। दो शिकार मतलब? मतलब ये कि वो मेरे हाथों मेरे डैड का कत्ल करवा के मुझे जेल भेजना चाहते हैं। नहीं नहीं भाईजान, ऐसे नहीं है। उन्होंने तुम्हें इसलिए कहा होगा कि तुम अपने इरादों से बाज आ जाओ, नीलम को भूल जाओ, अपना रास्ता बदल लो। वरना भाईजान कभी किसी का कत्ल नहीं कराना चाहते, किसी का भी नहीं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जिदेंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।